नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आज फॉर नेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 फरवरी से इंडिया और वेस्टइंडीज़ के बीच 3 ओडीआई मैचों की शुरुआत होने जा रही है, तो आइए जानते हैं कौन कौन है वे खिलाड़ी जिन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर हैं इंडियन टीम के कप्तान और सिक्सर किंग कहे जाने वाले रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 33 मैचों की 31 पारी में 1523 रन बनाए हैं। रोहित का ओडीआई में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 60.92 का बेहतरीन औसत है। रोहित ने 3 सेंचुरीज तो 11 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। रोहित ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 162 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली है। और दूसरे नंबर पे हैं क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 29 मैचों में 1573 रन बनाए हैं। परंतु सचिन का औसत रोहित से कम है। सचिन का औसत 52.43 का है। सचिन ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 4 सेंचुरीज तो 11 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। सचिन का वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 141 रन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नंबर 1 पर हैं रन मशीन कोहली, क्योंकि ये जिस प्रकार मैदान में रन बनाते हैं, इन्हें रन मशीन कोहली कहना ही ज़्यादा उचित है। विराट ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 38 मैचों में 2235 रन बनाए हैं। विराट ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 9 सेंचुरीज तो वहीं 11 हाफ सेंचुरी भी लगाई है। विराट का वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 157 रन है। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 6 फरवरी से इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज़ के बीच शुरू होने जा रही ओडीआई सीरीज़ में कौन अपना कितना दम दिखाता है और कौन कितने नए रिकॉर्ड बनाता है। तो स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए आज फॉर नेशन। सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।